देखो थ्री क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट क्लास सेवन थ्री क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड इज मैसेंजर। मैसेंजर आपने देखा होगा, मैसेंजर क्या होता है? अ पर्सन हु टेक्स अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मैसेंजर कहते हैं। यानी कि देखो पोस्टमैन होता है ना, जैसे मैसेंजर हो गया, नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो मैसेज को पहुंचाने वाले को मैसेंजर कहते हैं। क्लियर। सेकंड वर्ड इज वाइज मैन। वाइज मैन किसे कहेंगे? इंटेलिजेंट आदमी को वाइज मैन कहते हैं, जिसके पास में हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड कैन गिव यू गुड एडवाइस, जिसके पास जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव हो और वो आपको कोई सलाह दे सके किसी भी काम करने को, तो डेट इज कॉल्ड अ वाइज मैन। फिर एक वर्ड आता है काउंसिल। काउंसिल किसे कहते हैं? काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस, एक पीपल्स का ग्रुप चूज किया और वो आपको एडवाइस दे रहा है, डेट इज कॉल्ड काउंसिल। काउंसिलर, अब उस काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें काउंसिलर्स कहते हैं, दोज मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसिलर्स। एंड फिफ्थ वर्ड इज रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स प्राइज और गिफ्ट। आप अच्छा काम करते हैं, वैन यू आर डूइंग अ गुड जॉब, वैन यू लर्न एवरी थिंग यू विल गेट अ रिवार्ड। रिवार्ड मिलता है ना, प्राइज जो मिलता है, ओलंपियाड में प्राइज मिलता है। सिक्स विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ लाइफ। अगेन विजडम मतलब आपकी ज्ञान, आपका विजडम, आपकी बुद्धि क्षमता, गुड अंडरस्टैंडिंग, आप कितने अच्छे से चीजों को समझते हैं और जिंदगी का कितना आपके अनुभव है आपके पास में, उसे आपका विजडम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विजडम, नॉलेज ऑफ लाइफ, गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ लाइफ। एंड द सेवंथ एंड द लास्ट वर्ड इज हर्मिट। हर्मिट मीन्स सेंट, सन्यासी। सन्यासी को क्या कहते हैं हम? दैट इज कॉल्ड हर्मिट, HERMIT। देखिए ये किंग है ना, अब ये देखिए किंग तो आप जानते हैं ना, सम्राट। देखिए ड्रेस भी इनकी यूनिक रहती थी, हैट ऊपर, लॉन्ग बियर्ड और स्मॉल बियर्ड, और बहुत अच्छे से ड्रेसअप, बहुत अच्छा सेंस, तो जैसे किंग। अब ये पूरी स्टोरी जो है किंग के बारे में है, द थ्री क्वेश्चंस ऑफ अ किंग, थ्री क्वेश्चंस जो किंग के मन में आए और कैसे कैसे उन्होंने उसका जवाब पता किया। तो थ्री क्वेश्चंस हैं उनके और उसके बारे में स्टोरी है। और किंग देखिए, आप ऐसे किंग होते थे पहले, ऐसी ड्रेसअप ऐसा होता था उनका। क्लियर। तो अभी आगे फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक मैसेंजर को भेजा। अब देखो यहाँ पे एक आपको मैसेंजर दिख रहा है, ये घोड़े पर जो है ये मैसेंजर है, तो ऐसे मैसेज आप आगे देखो इसके घोड़े के ऊपर ही हाथ में कुछ है, तो वो मैसेज जो है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ऐसे घोड़े पर सवार होकर वो मैसेज देने जाया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक वो मैसेज को पहुंचाते थे, डेट इज कॉल्ड मैसेंजर। तो पर्टिकुलरली कोई भी जो मैसेज भिजवाना होता था किंग को दूसरी जगह पर, तो ऐसे मैसेंजर्स को वो घोड़े पर रवाना कर देते थे, तो वो मैसेज घोड़े पर मैसेज वो पहुंचाने जाया करते थे, डेट इज कॉल्ड मैसेंजर। तो किंग का फोटो आपने देखा, मैसेंजर का आपने फोटो देखा, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी कि किंग के पास तीन क्वेश्चंस मन में आए, मन में आने के बाद में उन्होंने मैसेंजर को भेजा और उन क्वेश्चंस का आपने पिक देखा, उसमें किंग और मैसेंजर था। तो लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर फर्स्ट क्लास सेवन थ्री क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इजंट इट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थ्री क्वेश्चंस फर्स्ट, वो क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थ्री क्वेश्चन इज द नेम ऑफ चैप्टर। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। एक किंग था, उसके मन में एक विचार आया, थॉट मींस विचार आया, एक सर्टेन किंग के मन में ये विचार आया कि वो कभी फेल नहीं होगा, ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा यदि उसके पास में वह जान जाए, न्यू मींस जान जाए, थ्री थिंग्स, तीन चीजें। दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीजें थी क्या? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को, किसी भी कार्य को कब आरंभ किया जाए, फर्स्ट। सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन व्यक्तियों की बातों को उसको सुनना चाहिए, सेकंड वन। एंड द थर्ड क्वेश्चन वॉज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ऐसी कौन सी
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसी कौन सी चीज है जिसको उसे सबसे पहले करना चाहिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, जिसे उसे करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करनी उसे चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या क्या है, आप एक इसको समझें, एक किंग, देयर वॉज अ किंग, सर्टेन किंग, उसके मन में एक विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, कोई फेल नहीं होना चाहता अपनी जिंदगी में, तो उसके मन में ये विचार आया कि वो कभी फेल नहीं होगा यदि उसके पास तीन चीजों का आंसर हो। तीन क्वेश्चंस थे उसके मन में, और वो क्वेश्चंस कौन कौन से, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को कब प्रारंभ किया जाए, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, एंड द थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और ऐसी कौन सी चीज है जिसको उसको सबसे पहले उसको करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर, मैसेंजर का फोटो दिखाया था ना इमेज हमने, द किंग थ्रू देयरफॉर सेंड मैसेंजर, बहुत सारे मैसेंजर को थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरी किंगडम में उसने अपने साम्राज्य में भेजा, प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, और यह वादा करते हुए यदि इन तीन क्वेश्चनों का जो आंसर देगा मैं उसको बहुत बड़ा धन दूंगा, प्रोमिसिंग लास्ट सम ऑफ मनी, बहुत बड़ा धन सम ऑफ मनी मैं उसे दूंगा यदि इफ ही इज एबल टू आंसर थ्री क्वेश्चन। क्लियर, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग उस किंग के पास आए, वट दे आंसर्ड हिम क्वेश्चन डिफरेंटली, मगर उन्होंने सबने अलग अलग जवाब दिए, वट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, वट दे ऑल, परंतु उन सब ने क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आंसर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सेड, एक ने कहा, कुछ ने कहा, सम मींस कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किंग को राजा को एक समय सारणी, टाइम टेबल बनाते ना आप, टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन, तो पहले उसके लिए उनको क्या बना लेना चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए, ओनली एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको सख्ती से उसका पालन करना चाहिए, उसको सख्ती से टाइम टेबल बनाकर उसका सख्ती से पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली। क्लियर, आगे तो एक ने कहा, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, किसी सबको कई सारे लोगों ने कहा, सम ओनली इन दिस वे, सिर्फ इस तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग, वो कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज इट्स प्रॉपर टाइम, इस तरीके से वे हर चीज को उसके एक निश्चित प्रॉपर टाइम पर, निश्चित समय पर कर पाएंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, किसी दूसरे ने कहा यह बिल्कुल असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये बिल्कुल असंभव है पहले से निर्धारण करना, एडवांस पहले से निर्धारण, इन एडवांस द राइट टाइम, पहले से सही समय का, किसी चीज को सही समय पर करने का निर्धारण करना, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, डेट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्लियर, तो उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, उन्होंने क्या कहा, कुछ ने का क्या कहा कि प्रॉपर टाइम पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेना किसी का